मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव में 66वें मेला महोत्सव का गुरुवार की शाम क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित और नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा शिवहरे द्वारा रिबन काटकर शुभारंभ किया गया। जानकारी के मुताबिक 1954 से निरंतर ये मेला लगाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र भर से लोग मेले का आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। मेले को भव्य बनाने के लिए व्यापारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं। इसके अलावा ग्वालियर और आगरा से आकर्षक झूले भी इस वर्ष आए हुए हैं। 12 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 100 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं। इस बार मेले में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार मेले में पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। इसके साथ ही पुलिस की टीम के अलावा नगर पालिका की 15 से 20 लोगों की टीम भी गठित की गई है, जो पूरे मेले में घूमकर चोरी की घटनाओं और बदमाशों पर नजर रखेगी। वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपको जब मेले के अंदर प्रवेश करते ही अलग अंदाज, अलग नजारा देखने को मिला होगा। जो मैदान की जरूरत होती है, दुकानदारों में गैप चाहिए कि आम पब्लिक आए और ज्यादा भीड़ भाड़ बनी रहे, वो दिखे नहीं कि एक साथ टकराए नहीं। इतने खुले में मेला लगा है। पहले पिछली साल जब हमारा पहला वर्ष था तो हम तत्काल ही ना आए थे, और इस बार हम लोगों ने कई सुधार इसमें किए हैं। अब लाइट में देखें और झूले देखें, सब अलग और हट के मिलेगा इस बार। ये जो 66वां मेला महोत्सव है, ये मेरे लिए पहली वर्ष है और मैंने इसमें पूर्व में तैयारी करके हमारी अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक जी से बात हुई। चर्चा होने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार एक तो पूरा जो मेला है हमारा वो सीसीटीवी के कैमरे में कैद रहेगा पूरा। दूसरा क्या हुआ, जितनी भी रास्ताएं थी उन सबको चौड़ीकरण किया गया है। जो बीच में लोग लगाते थे उनको लगाने के लिए मना किया गया है और उन्हें अन्य अन्य दूसरी जगह पे जगह दी गई है। और जो झूले हैं वो भी इस बार कई बाहर से मंगाए गए हैं, जो अलग अलग प्रकार से झूले भी हैं। लाइटिंग है वो भी कई प्रकार से अलग प्रकार से कराई गई। बाहर आपने लाइट खम्भे में लाइट देखी होगी। और इन सबको लेके मेले को हम लोगों की जो सोच थी कि कुछ अलग किया जाए, अलग है प्रयास है। और हम लोगों के नगर पालिका द्वारा 1-10 की गाइड भी बनाई गई है, जो पूरे दिन रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई किसी को समस्या होने पर हमारी जो टीम है वो तत्काल उनके कार्यक्रम सहयोग करेगी। हाँ, इस बार जो कार्यक्रम है लोगों की बड़ी, मैं अध्यक्ष महोदय के पास बार बार बातें आ रही थी कि वो किसी बड़े कलाकारों को बुलाया जाए। तो जो 5 तारीख है उसमें हम लोगों के द्वारा शहनाज अख्तर का कार्यक्रम रखा गया है, और 9 तारीख को जो कवित्री बुलाई गई हैं वो भी राष्ट्रीय कवि हैं अनामिका अमर जी, और आर्केस्ट्रा लोगों को देखते हुए सभी कार्यक्रम रखे गए हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, पूरा कार्यक्रम।